देश भर के साथ हरियाणा में भी आज से टोल महंगा हो गया है। टोल प्लाजा पर 5 से लेकर के 20 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। खिड़की दौला टोल पर निजी वाहनों के लिए कोई वृद्धि नहीं की गई, जबकि केएमपी एक्सप्रेस वे पर 7% की वृद्धि की गई है। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे पर 5 से 20 रुपए तक का रेट बढ़ाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नया वित्त वर्ष शुरू हुआ और नए वित्त वर्ष के शुरू होने के साथ ही टोल प्लाजा पर टैक्स की जो दरें हैं उसमें बढ़ोतरी की गई है। अलग अलग कमर्शियल वाहनों के लिए अलग अलग टैक्स में वृद्धि जो है वो की गई है। केएमपी एक्सप्रेस वे पर 7% तक की वृद्धि की गई है। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे पर 5 से 20 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। संजय, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, आज से टोल में वृद्धि की गई है, कौन कौन से वाहनों पर कितना टोल बढ़ा दिया गया? जी बिल्कुल हितेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा, देश भर में अलग अलग टोल पर अलग अलग जो टोल दरें हैं उसमें बढ़ोतरी की गई है। और इस समय मौजूद हूँ गुरुग्राम के खिड़की दौला टोल टैक्स पे, जहां मैं आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा कि खिड़की दौला टोल टैक्स की मैं बात करूँ तो खिड़की दौला टोल टैक्स पे जो पर्सनल वाहन है उस पर और जो टैक्सी में जो गाड़ी यूज की जाती है उन पर कहीं ना कहीं राहत दी गई है। तो वहीं पर वो चाहे मिनी बस हो, ट्रैक हो या फिर लोडिंग जो व्हीकल्स हैं उनमें लगातार कहीं ना कहीं अब 5 से 10 रुपए की जो बढ़ोतरी है वो की गई है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मिनी बस पे 5 रुपए और साथ ही साथ बस एक्सल 2 उस पर 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं पर बड़े जो ट्राले हैं उसमें 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दूं क्योंकि पहले गुरुग्राम की बात करूं, जो पर्सनल कारें हैं उसमें 80 रुपए टोल का जो भुगतान करना पड़ता था वो बिल्कुल सेम है, अभी भी 80 रुपए का ही भुगतान करना होगा। यदि आपके पास फास्टैग नहीं है तो आपको 160 रुपए आपको भुगतान करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ मैं बात करूं जिन जिन वाहनों पर आज बढ़ोतरी की गई है उसकी मैं लिस्ट मैं आपको बता देता हूं। LCV व्हीकल जिसपे की 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, पहले ये 115 रुपए देने होते थे लेकिन अब बढ़ाकर इसको 120 कर दिया। वहीं पर ट्रक एक्सल 2 जो कि पहले 235 रुपए इसके भुगतान करने पड़ते थे जो कि अब 245 रुपए 10 रुपए की इसके अंदर बढ़ोतरी की गई है। तो वहां पर कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से एक आम जनता को राहत मिली क्योंकि जो पर्सनल वाहन है उसमें जरूर छूट दी गई है, वहीं पर कमर्शियल वाहनों की मैं बात करूँ कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं इस महंगाई का एक बड़ा झटका जरूर लगा है क्योंकि 5 से 10 रुपए का जो टोल टैक्स है वो चाहे गुरुग्राम के खिड़की दौला टोल टैक्स की बात करूँ, सोना के घामडोज टोल की बात करूँ, मुंबई एक्सप्रेस वे की बात करूँ या फिर KMP की बात करूँ, लगातार कहीं ना कहीं इससे पहले भी जो है टोल टैक्स की जो दरें हैं उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की गई थी। और एक बार फिर यानी कि 1 अप्रैल आज से तमाम जो हैवी व्हीकल्स हैं, जो भी हम बात करें जो बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, कहीं ना कहीं उनको अब महंगाई की जो मार है वो झेलनी होगी क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं जो कि ये एक पिकअप है और इसमें भी कहीं ना कहीं 10 रुपए की जो बढ़ोतरी है वो की गई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं आम जनता को जहां राहत मिली है वहीं पर बड़े ट्रांसपोर्टर कह लें या फिर जो भी कमर्शियल जो वाहन चलाता है कहीं ना कहीं उनकी जेब पर महंगाई का असर जरूर देखा जा सकता है। जी बिल्कुल संजय, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से आप नए वित्त वर्ष को लेकर के बात कर रहे हैं, नया वित्त वर्ष जो है वो शुरू हो गया और ऐसे में टोल टैक्स की अलग अलग जगहों पर बढ़ोतरी जो है वो कर दी गई है, 5 रुपए से लेकर के 20 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है अलग अलग वाहनों पर। हालांकि अगर गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ खिड़की दौला टोल प्लाजा पर निजी वाहनों को राहत है, निजी वाहनों के लिए कोई टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की गई।